तो आप देख रहे होंगे कि फतेहपुर के आदर्श जालान आदर्श विद्या मंदिर के सामने जो ये ब्रेकर था जो टूटा हुआ था, काफ़ी गाड़ियाँ इसमें फंस रही थी, उसका अब निर्माण कार्य नगर पालिका ने शुरू कर दिया है। दो बार इसकी खबर चल रही थी और हमने ही प्रयास किया था। तो पहली बार तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पालिका प्रशासन को कि आम जन की जो परेशानी का जो मुद्दा था उनके कानों तक पहुँचा और कार्य स्टार्ट हो गया। तो ये देखिए लोकेशन देख सकते हैं, रोज़ गाड़ियाँ यहाँ इस नाले में गाड़ियों का नुकसान हो रहा था, फंस रही थी, और अब हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से दो बार इसकी जो खबर है पिछले 15 दिनों में दो बार इसकी खबर लगाई थी। और ये देखिए कल से इसका जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो चुका है। तो अब कम से कम राहगीरों को और गाड़ी वालों को समस्या का सामना कम से कम नहीं करना पड़ेगा। तो हाँ बोलो दीनदयाल जी। नमस्ते, मैं दिनेश कुमावत। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि मुख्य सड़क के बीच नाले का कार्य चल रहा है। जी हाँ, ये वही लोकेशन है जिसकी हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से 2 या 3 बार इसकी जो पोस्ट है वो डाली थी। कई महीनों से काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे, यात्री परेशान हो रही थी, गाड़ियाँ वाले परेशान हो रहे थे। और धन्यवाद भी देना चाहूँगा नगर पालिका प्रशासन का कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने भी इस कार्य को प्राथमिकता से लिया और कार्य है वो स्टार्ट कर दिया है। तो अब तो निवेदन ठेकेदारों से है कि वो इस कार्य को है अच्छा कर दे, क्योंकि मुख्य रास्ता है यहाँ पर, रोज़ रोज़ आप रास्ता बंद नहीं कर सकते, क्योंकि कार्य मुख्य रास्ते का कार्य रोज़ रोज़ नहीं होता है। क्योंकि गली मोहल्ले में हो तो आप दोबारा कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रास्ता है, यहाँ से सारे वाहन हैं वो गुजरते हैं, तो इस रास्ते को आप ज़्यादा दिनों तक बंद नहीं कर सकते या फिर साल में हर साल बंद नहीं कर सकते। तो अब तो निवेदन यही रहेगा कि ये जो कार्य है वो बेहतर हो जाए। तो आखिर निर्माण कार्य शुरू हो ही गया।